हड़बड़ी में बिना प्लान के ये सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। हड़बड़ी में बिना प्लान के आप चीज़ें करवाते हैं तो उसकी कमियां देखने को मिलती है। एनटीए को आपने जिम्मेदारी दे रखी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने की, अलग अलग एग्जामिनेशन कराने, आप देखेंगे कि उन सारे एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें मिली। यूजीटी के एग्जामिनेशन के साथ भी वही दिक्कत हुई, छात्र गए हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन देने के लिए, सेंटर पर कह दिया गया कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, जिसके बारे में छात्रों को कोई सूचना नहीं दी गई। मेन जो दिक्कत है वो जो आम छात्र हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़ के गरीब छात्र आ रहे हैं, उनको दिक्कत होने वाली। यूनिवर्सिटी के जो है सीयूईटी के माध्यम से जो हो रहा है उसको लेके आपका क्या आंकलन है, क्योंकि कई तरह की जो है खामियां इसमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए, हड़बड़ी में बिना प्लान के ये सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, और जब हड़बड़ी में बिना प्लान के आप चीज़ें करवाते हैं तो उसकी कमियां देखने को मिलती है। आप बड़ी संख्या में एनटीए को आपने जिम्मेदारी दे रखी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने की, अलग अलग एग्जामिनेशन कराने की, और वो सारा एग्जामिनेशन आप देखेंगे कि उन सारे एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें मिली। और सीयूईटी का भी वही, सीयूईटी के एग्जामिनेशन के साथ भी वही दिक्कत हुआ कि बड़ी खामियां देखने को मिली। छात्र गए हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन देने के लिए, सेंटर पर कह दिया गया कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, जिसके बारे में छात्रों को कोई सूचना नहीं दी गई। तो क्यों ये कदम लेना पड़ा, क्यों सीयूईटी के लिए आप तैयार हुए, और क्यों नहीं पुराने ही ढर्रे पे, पुराना जो एग्जामिनेशन, पुरानी तरीके से आप चीज़ें नहीं करने लगे, ये अलग अलग तरह के सवाल है। मूल मामला ये है कि कोई भी एग्जामिनेशन प्रोसेस हो, शायद सीयूईटी या इससे पहले जो एडमिशन के लिए कट ऑफ क्राइटेरिया निकाला जाता था, उसमें जो मेन जो दिक्कत है वो जो आम छात्र हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़ के गरीब छात्र आ रहे हैं, उनको दिक्कत होने वाली। उनको कट ऑफ के दौरान भी उनके मार्क्स कम आते थे तो दाखिला कॉलेज में नहीं होता था। सीयूईटी में भी उनके साथ यही होगा, क्योंकि सीयूईटी में भी उन्हीं छात्रों का परीक्षा परिणाम ज़्यादा अच्छा आएगा या एंट्रेंस में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे जिनकी पढ़ाई अच्छे से हुई, और पढ़ाई उन्हीं की अच्छे से हुई है जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़ के अपना अपनी उन्होंने तैयारियाँ की है, या आप कोचिंग सेंटर का पैसा देने के लिए वो तैयार हैं। तो मूल समस्या बनी रहेगी।